हेलो फ्रेंड्स, आपको जानना होगा मेरे से कि कौन से लेवल के बाद निफ्टी घोड़े की तरह भागेगी। तो यहाँ पे मैं एक खास नंबर आपको बताने वाला हूँ, 22,000। ये नंबर पूरी तरीके से नोट कर लेना, 22,222। ये गोल्डन नंबर है। अगर डेली क्लोजिंग ये नंबर के ऊपर अगर हो गई तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी वापस एक बार ऊपर जाएगी। तो ये नंबर को याद रखना, डेली क्लोजिंग यही होनी चाहिए। कल एक्सपायरी है, बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, तो हमें रेडी रहना है। और जो पहले बार आए हैं, अभी तक चैनल को देखा नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना। और यही नंबर के बेसिस पे अगर आपको इंट्राडे का डेमो एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे ज्वाइन करके हमारे टीम फैमिली के साथ जुड़ जाना। ये नंबर क्यों है, क्या है, सब डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले क्या है, तो आज हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी खबरें हैं जहां पे हमें देखना है। ये सेबी का डिस्क्लेमर है, तो थोड़ा सा ये पढ़ लेना, यहाँ पे पूरे डिटेल्स है। अब आप यहाँ पे अगर कुछ देखोगे ना, तो बजाज फाइनेंस की जो आम है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, वो एक अलग से आईपीओ निकाल रही है। और ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस का उसमें कुछ ना कुछ अच्छा खासा स्टेक रहेगा, 9 से लेके 10 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन है। और आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस का जो शेयर का वैल्यू अनलॉकिंग है, ये डेफिनेटली इससे हो सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ आने वाला है, उससे बजाज फाइनेंस का शेयर वापस एक नया हाई पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। इंडिगो टू फ्लाई मोर इंटरनेशनल रूट्स डेस्टिनेशंस एम डबलिंग द साइज बाय 2030। एक अच्छा खासा कंपनी ने डायरेक्शन दे दिया है कि इंडिया में एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एयर ट्रैवल्स बढ़ रहे हैं, हम भी उसके लिए तैयार है। और हमारा जो बिजनेस है वो 2030 में डबल होने वाला है रेवेन्यू वाइज। तो आपको प्रॉफिट जो है वो 4 गुना बढ़ सकता है। रिलायंस पावर का शेयर बहुत दिनों से सुर्खियों में है। रीज़न बहुत सिंपल है कि ये जो अपना कर्जा है ना, वो भरते जा रहे हैं। इसके लिए आप देखोगे तो रिलायंस पावर के शेयर अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार रहे हैं। ये कुछ गुड न्यूज़ है। और ऑफ कोर्स पावर सेक्टर की जो सभी कंपनियां हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये कुछ टॉप न्यूज़ ऑफ द डे है। अब मैं और क्या आपको एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ, जोमैटो, सेल और अवंती फीड, ये 3 स्टॉक्स का आपको एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करूँगा, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँगा, बाद में जोमैटो, सेल और अवंती फीड का करूँगा। इसके लिए एंड तक बने रहना, सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट करना मत भूलना। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है। तो अगर कल एक्सपायरी है, हीरो जीरो के ट्रेड्स अच्छे हो सकते हैं। आज अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं था, क्योंकि बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट था बैंक निफ्टी का। अब आइए चलते हैं देखने के लिए कि निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, निफ्टी के लिए कल डू और डाई सिचुएशन है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि कल निफ्टी के लिए डू एंड डाई है, क्योंकि आप देखोगे ना, एक खास लक्ष्मण रेखा निफ्टी ने बनाई हुई है। ये है वो रेखा। ये कौन से चार्ट पे है, ये मैं डेली चार्ट निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे लॉजिक बहुत सिंपल है। हर बार निफ्टी जब 22,200 के आसपास आ जाती है, तो यहाँ पे ये जोन में कुछ ऐसे सेलर्स बैठे हुए हैं, ये जोन में, जो निफ्टी को नीचे धकेल देते हैं। ये कैसे हमें समझा, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप ये जो स्पाइक्स देख रहे हो ना, ये जो स्पाइक्स देख रहे हो, ये उसी का नतीजा है। तो ये जोन ही पूरा सेलिंग का जोन है। अब यहां पे दो चीज हो सकती है, मैं अब आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखा सकता हूं, दिखाने की ट्राई करूंगा। ये जो
है ना, ये लाइन, ये जो लाइन है, अब दो चीज क्या हो सकती है, तो फॉर एग्जांपल एक तो निफ्टी मॉर्निंग में ही ये जो लक्ष्मण रेखा बनाई गई है उसको क्रॉस करने को देखेगी, और क्रॉस हो भी जाएगी 15 मिनट्स में, और निफ्टी ऊपर ऊपर बढ़ते जाएगी। अगर निफ्टी ने सक्सेसफुली 22,222 के ऊपर 15 मिनट्स की क्लोजिंग दे दी, तो बहुत एक अच्छा चांस बनता है कि दिन भर में निफ्टी 22,400 तक जा सकती है। तो ये ऊपर के लेवल्स है, बट बहुत से बार ऐसा होता नहीं है। निफ्टी क्या करती है, गैप अप तो करती है, ओके, गैप अप तो करेगी, बट इमीडिएटली यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो निफ्टी की सेलिंग चालू कर देते हैं, और ये सेलिंग कभी भी छोटी मोटी नहीं रहती है। इनको बेस्ट लिक्विडिटी पाने के लिए, बेस्ट जगह पे एक लंबा सेल आउट करने के लिए कौन सा पॉइंट है, तो 22,200 के आसपास। तो कल अगर 15 मिनट्स में कुछ पावरफुल 22,200 के नीचे, मैं आपको ये भी कर देता हूँ, समवेयर अबाउट समझो 22,110 के आसपास कुछ अगर आपको सेलिंग दिखाई देना, तो ये सेलिंग इतनी पावरफुल हो सकती है कुछ इस तरीके से कि आप हैरान हो जाओगे कि यही सेलिंग निफ्टी को स्ट्रेट अवे 21,800 के आसपास लेके जा सकती है। ये नंबर वापस थोड़ा सा गौर से देखना, 21,800 तक ये लेके जा सकती है, और जैसे यहाँ पे हुआ था कल वही चीज़ दोबारा रिपीट होने के चांसेस है। तो इसका लॉजिक क्या है, ये कैसे चलता है, क्यों चलता है, फिलहाल उस पर मैं टाइम नहीं गलाऊंगा, बट कंसेप्ट वापस एक बार दोहराना चाहता हूँ। 35% चांसेस है, 35%, क्योंकि आप देखोगे ना तो बेसिकली मीन्स 35 नहीं, मैं थोड़ा सा और इसको चांस दूंगा, 45% चांसेस है कि निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में जा सकती है। केस वन, कब, जब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, मैं जो अभी बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, 15 मिनट्स, आप चाहिए तो इसको लिख के भी लेना, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से कैंडल बने 22,222 के आसपास, और यहाँ से जो पावर है वो इंटैक्ट रहेगा, और थोड़ा बहुत स्पाइक मारेगा, कभी ऐसा भी हो सकता है, इट इज़ इरेलेवेंट, बट एक पूरा अगर पावरफुल 15 मिनट्स में कुछ इस तरीके से कैंडल बनी, तो धीरे धीरे आवरली में भी और डेली में भी आप देखोगे 22,400 आ जाएगा। इसका लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे जो भी सेलर्स थे उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके, यानी कि टोटली डिस्ट्रॉय करके निफ्टी ऊपर गई। अब ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि निफ्टी ने अगर आप देखोगे तो क्या सडनली ये डिसीजन नहीं लिया, निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन का इंतज़ार किया, 9 दिन का। अब 9 दिन में आपको क्या लगता है कि कभी सेलिंग आया नहीं रहेगा, नहीं, ऐसे नहीं है, सेलिंग आया था, निफ्टी में सेलिंग आया था, बट यहाँ पे निफ्टी में इतने पावरफुल बायर्स थे जो इन्होंने वापस निफ्टी को ऊपर उठा दिया। अब यही बायर्स 22,222 के बाद निफ्टी को 22,400 लेके जा सकते हैं। ये हो गया हमारा केस वन, जिसके चांसेस है 45 से लेके 40% के आसपास। अब केस टू क्या हो सकता है, कि ये हमें मालूम है कि एक लक्ष्मण रेखा है, निफ्टी गैप अप हो गई, गैप अप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप अप क्या बताता है, कि निफ्टी ने पूरा जोर लगाया था, पूरा जोर लगाया था, 22,200 के ऊपर गैप अप हुआ, गैप अप
को सस्टेन नहीं कर पाए, सेलर्स जो है वो टूट पड़े निफ्टी पे और निफ्टी को वापस 22,120 के आसपास लेके आए। अगर ये हो गया ना तो इसके बाद क्या है कि ये बहुत पावरफुल सेलर्स है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि निफ्टी 21,800 के आसपास आ सकती है और उससे भी नीचे जा सकती है। तो ये जो चीज़ है ये एक गोल्डन एंट्री जैसे रहता है ना, यानी कि लोगों ने सोचा भी नहीं रहेगा कि यार इतनी बड़ी कैंडल आ सकती है, बट ये एक्सपायरी में आपको चौंका देने वाली कैंडल बनने के चांसेस है और अच्छे खासे है। ये चांसेस जो है वो 55-60% है। तो कल ये बेसिस पे मेरा आपको क्या राय रहेगा कि कल थोड़ा सा मार्केट में अलर्ट रहना। मैंने क्यों कहा कि कल का दिन मार्केट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बन गया ऊपर के साइड में मर मर के जाएगी, इतना ज़्यादा ट्रैक्शन एक ही दिन में नहीं पकड़ेगा, 22,400 के बाद ही कुछ बड़ी रैली आ सकती है, बट नीचे के डायरेक्शन में इंस्टेंटली कल ही आपको 200 या 300 पॉइंट की मूव मिल सकती है। और अगर ये आ गया तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि सुबह को ही आप कमेंट करना जिस दिन आपको दिखाई देगा ये, क्योंकि ये जो एनालिसिस है या ये जो पॉसिबिलिटी है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट, ये कोई भी चैनल में किसी ने भी अभी तक डिस्कस नहीं किया रहेगा। अगर किया रहेगा वेल एंड गुड, उसका लॉजिक आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, बट ये जो मैं आज बता रहा हूँ उस पर खास ध्यान देना। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कल की एक्सपायरी डेफिनेटली आज के बैंक निफ्टी की तरह ठंडी नहीं होगी, कुछ ना कुछ ज़बरदस्त आपको कल निफ्टी में दोपहर को या मॉर्निंग से ही दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे देखोगे ना अभी तक निफ्टी में वीकनेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये सब उसके ही मीन्स चिन्ह है कि इंडिकेशन है कि सेलिंग अभी भी है। बस एक बार बड़ी कैंडल आके ये सब नाटक निफ्टी का ऊपर जाना है ये सब घला देगा और वापस निफ्टी जाएगी 21,500। ओके, चांसेस कम है, देखते हैं, बट 21,500। तो ये मैंने निफ्टी के बारे में बताया। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा समराइजेशन करते हैं कि बैंक निफ्टी में कल कैसे हो सकता है। मैं 15 मिनट्स में ही एनालिसिस करूंगा। आप देखोगे ना बैंक निफ्टी बहुत बोरिंग थी आज पूरे दिन, ओके, जबकि बैंक निफ्टी के एक्चुअली अगर देखोगे तो एक्सपायरी थी, बट जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने आज बोर किया बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हुए रहेंगे। और यहाँ पे आप खुद देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ही रेंज बाउंड मुंह दे रही है, बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड है। तो मैं आइदर नीचे या ऊपर ये वाले जोन के चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी मूव हो जाए। ये जोन कौन सा है तो आप थोड़ा सा देख लो, बैंक निफ्टी का प्रिसाइसली नोट कर लो। मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट्स में बैंक निफ्टी ₹46,480 के नीचे क्लोज हो जाए, ताकि 46K आ जाए, या फिर मैं चाहता हूं कि बैंक निफ्टी 47K के ऊपर क्लोज हो जाए ताकि 47,200 आ जाए। इसके बीच में जो भी है ना, अगर मैं कहूंगा इट इज़ रियली नॉट वर्थ ट्रेडिंग, बट एनीवेज अगर आपको इंट्राडे सच में ही इतना पसंद आता है, आपको करना ही है, तो आप समझ लो जब तक बैंक निफ्टी 47K के ऊपर या 46,480 के नीचे नहीं जाती है, आप एक जो मेगा मूव है ना वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो इट्स अप टू योर चॉइस।
आप नंबर्स नोट कर लो, 46,480 के बाद स्ट्रेट अवे 46K तक 400 पॉइंट्स की आपको मूव मिल सकती है, 47K के ऊपर 200 पॉइंट्स की मिल सकती है। अब यहां पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस खत्म हो गया, अब हम करेंगे अवंती फीड का एनालिसिस। चलो देखते हैं अवंती फीड क्या लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अवंती फीड मीन्स अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना डेफिनेटली अवंती फीड अप ट्रेंड में नहीं है, साइडवेज है, और ये साइडवेज बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। आप देख सकते हो 2019 से 2024 पूरे 4-5 साल ये साइड ट्रेंड में अगर आप अटक गए तो हालत ख़राब होता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि अवंती फीड में एंटर करने की कोशिश मत करना, बहुत रिस्की है, कुछ भी मोमेंटम नहीं है स्टॉक में। तो अब देखेंगे वैभव ग्लोबल में क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या। चलो मंथली चार्ट्स में देखते हैं, आप खुद देख सकते हो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ भी ऊपर के मुंह नहीं दे रहा है। अब मत करना, क्योंकि हमें चाहिए कि कुछ, अगर मैं आपके जगह पे रहता तो मैं कुछ ऐसे यहाँ पे करता, ताकि मैं 900 तक यानी कि 600 के आसपास एंट्री करके 900 के आसपास ट्रेड करने को कोशिश करता। ये ऐसे गिरने वाले स्टॉक में एंट्री करना सच में डेंजरस है। चलो सेल देखते हैं कि क्या सेल में हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज श्योर है कि सेल अप ट्रेंड में है, और अभी भी अगर आप देखोगे ना, एंड अगेन दिस इज जस्ट टेक्निकल एनालिसिस, कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, अभी भी आप देखोगे ना तो ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, ये आपका एंट्री हो सकता है, 140 का टारगेट 1, 150 का टारगेट 2, 133 की एंट्री, 120 का स्टॉप लॉस। तो ये सेल कुछ तो बन रहा है कंपेयर टू बाकी के स्टॉक्स, इवन दो ये रिस्की है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल निफ्टी की डायरेक्शन भी अभी तक क्लियर नहीं है, बट जैसे ही निफ्टी अगर आप देखोगे 22,222 के ऊपर चला जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा, निफ्टी को 22,400 या 22,500 कौन पहुंचाएगा? तो यही स्टॉक्स है स्टील्स के या मीन्स मेटल के कि निफ्टी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएंगे। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना। हम कल वापस मिलेंगे बहुत एक्साइटिंग सेशन के बारे में, और मैं दिल से चाहता हूँ कि निफ्टी में इतनी बड़ी कल रेड कैंडल आए एक्सपायरी के टाइम पे।